मैं उतार किशोर पांडे और आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति टीवी न्यूज। आज हमारे बीच नेता फूल सिंह, नेता और अभिनेता दोनों जाने जाते हैं, उनसे आज कुछ प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे जो आज 78वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पूरा देश मना रहा है और यहाँ भी इन्होंने भी मनाए और आज बहुत धूमधाम से भजन कीर्तन और भारत माता की प्रतिमा के सामने सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ और इस सांस्कृतिक प्रोग्राम और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया अपन दे रहे हैं। हर हर महादेव, भारत माता की जय। पांडे जी, जितना आप हमको जानते हैं ये बात मैं बड़ी गंभीरता पूर्वक कहूंगा आपको कि लोगों के लिए ये दो दिन का उत्सव होता है। दो दिन मतलब 26 जनवरी और 15 अगस्त। लोग उसको समझते हैं ये तिरंगा हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी बान है। उसके बाद मैंने एक संकल्प लिया है, मैं कितना सफल होऊंगा ये मुझे नहीं मालूम, ये तो बाबा जाने। मेरे मन में दो तीन दिन पहले ही एक भावना आई कि एक तरफ हमें कहा जाता है कि भारत माता की जय, हम बोलते भी हैं बड़े प्यार से, बोलते दुर्गा माता की जय, सरस्वती माता की जय, काली माता की जय। तो जब हम भारत माता की जय कहते हैं तो हमारे तो भगवान है, तो फिर भगवान एक ही दिन दो ही दिन पूजे जाएंगे इस देश में? मैं तो कहता हूं कि जो ये पूरा अगस्त का महीना हुई तो क्रांति का महीना होना चाहिए। जैसे श्रावण है हमारा पवित्र महीना, तो इसी तरह 15 अगस्त या 26 जनवरी ये हमारे लिए मामूली दिन नहीं है। जो हमारे पुरखों ने गोली खाई, देश कैसे आजाद हुआ, सिर्फ गांधी जी के चरखे से देश आजाद नहीं हुआ है। भगत सिंह, बहुत लोग जैसे चंद्रशेखर आजाद जी जैसे लोग इस दुनिया से गए। मेरे मन में अचानक भावना आई कि नहीं, रुद्राभिषेक तो हर सोमवार को करते हैं, बजरंग बली की आराधना तो हर शनिवार को करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं, नहीं, 15 अगस्त को हम भारत माता का जयकार लगाएंगे, भारत माता के चरणों में कीर्तन करेंगे, उनके गीत गाएंगे, उनका वंदन करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे और भारत माता की आरती करेंगे। क्योंकि मैं उनको भी तो भगवान ही मानता हूँ, माता मानता हूँ, भारत माता है तो सब कुछ है। और दूसरा, मैंने एक संकल्प लिया है, मैं इसके लिए अपने प्रिय आराध्य आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी एक पत्र लिख रहा हूं नमो की तरफ से, कि देश का कोई भी ऐसा पंचायत ना हो जिस पंचायत में आपके द्वारा एक आदेश पारित हो जाए ग्रामीण विकास के द्वारा कि हर पंचायत में एक भारत माता की छोटी मंदिर होनी चाहिए और वहां हमेशा लहराता हुआ एक तिरंगा होना चाहिए। जब 2 साल की बच्ची किसी मंदिर से गुजरती है तो बाप माँ कहता है प्रणाम करो, भोलेनाथ है या राधा कृष्ण का मंदिर है। हम उस अपने बच्चों को वो संस्कार कहाँ दे पा रहे हैं जिसको बता पाए ये है भारत माता, अरे यही तो तिरंगा तुम्हारी सब कुछ है, शान है, आन है, बान है। जब 2 साल के बच्चे जब ये जानना शुरू कर देंगे अच्छा ये भारत माता है, ये तिरंगा है, तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप राष्ट्रवाद नहीं करते हो, आप ये नहीं करते हो, ये नहीं करते हो। हमने एक मिशन बनाया है, इसकी भी शुरुआत मैं करूंगा। मैंने पहले कहा मैं कितना सफल होऊंगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मैं प्रयास नहीं करूंगा तो मेरा जो जुनून है, मेरी जो अंतरात्मा है, ये मुझे माफ नहीं करेगी तुमने ऐसा सोचा क्यों कि नहीं किया। हम तो प्रयास करते हैं पांडे जी, बाकी तो वो समझे। बराबर नहीं, मेरा भी ये कहना है कि ये ऐतिहासिक दिन पर राष्ट्रगान होता है, बड़े बड़े नेता जो हैं वो मुद्दा को नहीं भूलते लेकिन राष्ट्रगान को भूल जाते हैं। बहुत ऐसे नेता को मैं देखा हूं कि उनको राष्ट्रगान गाने को नहीं आता, इसका रीजन क्या है? अज्ञानता, इसको अज्ञानता कहते हैं। और दोषी इसमें राजनेता नहीं है, हम हैं। नेता वोट मांगने आवे उसको खाली बोले कि आप जरा से हमको वंदे मातरम सब सुनाइए पहले, मैं ये सब भी मेरे मन में है कि कोई वोट मांगने आवे तो उसे पूछो भारत माता के बारे में, आप 5 मिनट को बताइए, हमारे राष्ट्रगान को बताइए, जो बच्चा बच्चा गाता है उसको बताइए क्या है।
जो अभी हमने इससे पहले आपसे बातचीत की ना, जब 2 साल की उम्र से ही बच्चा भारत माता की जय और वो तिरंगा देखने लगेगा ना, और वहाँ आरती क्या होगी मंदिर में, वही होगी ना। बिल्कुल, संस्कार नहीं मिला है। और जो नेता को राष्ट्रगान नहीं आता और देश को, मेन नेता पर भरोसा रहता है कि हमारा नेता कैसा हो, हमारा देश कैसा चले। देश के विकास के लिए नेता की जरूरत होती है, और नेता ही अगर राष्ट्रगान ना गा पाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सही बताया आपने। और इस संस्कार और ज्ञान के अभाव है, और ये अभाव दूर होना चाहिए। और दूर होने के जो मेन रास्ता दिख रहा है, जो आपने बताए कि हर गांव हर प्रांत में एक भारत माता का मंदिर होना चाहिए, ये सही बात है, सत्य बात है। इसके आगे और क्या? इसके आगे मैं एक बड़ा क्रांतिकारी कविता सुनाता हूँ कि जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। जिसको देश से ना हो प्यार, वो करे नफरत की बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। यहाँ हर बेटी सीता है, अरे यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। जो इनके इज्जत को नोचे, वो चाहे मौला हो महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा कविता कहे आपने। ये देश के ऊपर है, और ये बहुत महान आपने कविता कही, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।